सामने है बिट्टू बजरंगी और सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस वाले है, उनकी सिक्योरिटी में देखिए बिट्टू बजरंगी आपके सामने है। यहाँ से गाड़ी में बिठा रहे हैं, जहाँ से निमका जेल फरीदाबाद ले जाएंगे आप लोग देख रहे हैं, तमाम पुलिस वाले गाड़ी में बिठाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों बिट्टू बजरंगी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने बिट्टू बजरंगी को एक दिन का पुलिस रिमांड पर लिया था। अब उनके पास से 8 तलवारें बरामद की गई हैं और कई सारे बड़े खुलासे होने की संभावना है। दरअसल पुलिस रिमांड के बाद एक बार फिर से नूह पुलिस ने नूह कोर्ट में बिट्टू बजरंगी को पेश किया, जहाँ से उनको नीमका जेल में 14 दिन के लिए शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा बिट्टू बजरंगी को सुलंबा जेल में इसलिए शिफ्ट नहीं किया गया क्योंकि उनको उनकी जान का खतरा था। नूह हिंसा में पहले भड़काऊ वीडियो जारी करने वाले बिट्टू बजरंगी को नूह की ताउड़ू सीआईए पुलिस ने 15 अगस्त के दिन फरीदाबाद से उनके घर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया, जहाँ से कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को एक दिन के पुलिस रिमांड पर बिट्टू बजरंगी को लेने के लिए कहा गया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिट्टू बजरंगी का विवादों से पहले से ही गहरा नाता रहा है, उनके भड़काऊ वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 जुलाई को नूह में जो हिंसा और दंगा हुई उसमें पहले से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बिट्टू बजरंगी ने वायरल किया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 जुलाई को जो बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी किया उस पूरे मामले में नूह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया, लेकिन उनको बेल मिल गई। वहीं उसके बाद से एक और दोबारा से मुकदमा दर्ज बिट्टू बजरंगी पर हुआ है, जिसमें नूह पुलिस जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उषा कुंडू, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ में मिसबिहेव बिट्टू बजरंगी ने किया, इसके अलावा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, वहीं कई सारे अवैध हथियार जब हम लोगों ने उनसे लेने की कोशिश की तो उन्होंने अवैध हथियार लहराए। इस पूरे मामले में कई सारी संगीन धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए ताउड़ू की सीआईए पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से उनके घर से उनको गिरफ्तार कर दिया है। वैसे बिट्टू बजरंगी के ऊपर पहले से ही डबुआ और धोज थाने में मुकदमा दर्ज है विवादित बयानों को लेकर के। हालांकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना यह है कि जो लोग भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करेंगे उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इन तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बिट्टू बजरंगी को नूह की कोर्ट में पेश करने के बाद में उसे जेल ले जाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में। नूह में हुई हिंसा के केस में फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का एक दिन का पुलिस रिमांड गुरुवार को पूरा हो गया। पुलिस दोपहर को उसे फिर से नूह की कोर्ट में लेकर पहुंची। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फरीदाबाद की नीमका जेल भेज दिया है। रिमांड के दौरान उससे 8 तलवारें बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस अन्य खुलासों के बारे में खुलकर नहीं बता पा रही है। बता दें कि बिट्टू बजरंगी को 15 अगस्त को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। बुधवार दोपहर नूह कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को एक दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजकुमार और बिट्टू बजरंगी के खिलाफ नूह की एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो 14 दिन की कस्टडी जेसी के लिए भेज दिया गया है। और 148, 149, 323, 353, 395, 397 और 506 25 आरम सेक्ट की जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें से 395 और 97 जो दो धाराएं हैं डाउटफुल है, क्योंकि लहराते हुए तलवार भाले वगैरह लेकर के आए इनमें ये बनती नहीं है, क्योंकि ये धाराएं जो है रॉबरी की और डकैती की हैं, इसलिए इनको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चार्ज के टाइम पर हम इसको डिलीट कराएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। और रहा सवाल आरम सेक्ट का, आरम सेक्ट भी इसमें बनता नहीं है क्योंकि जो तलवारें हैं और भाले हैं वो रिकवरी है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। आरम सेक्ट हमेशा लगता है कि गन वगैरह हो तभी वो लगेगा। सर क्या कुछ पुलिस ने रिकवरी दिखाई है? सर इसमें 8 तलवारें दिखाई है रिकवरी। सर इनको कहाँ कौन सी जेल में भेजा जाएगा? अब इनको जो है नीमका जेल के लिए आदेश करे हैं कोर्ट ने, और आज इनको नीमका जेल के लिए भेज दिया है। सर नीमका जेल को क्यों चुना गया है? सर नीमका जेल को क्यों चुना गया? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये हमें भी नहीं पता क्योंकि ये चीज कहाँ डिस्क्लोज करते हैं, अपनी पुलिस अपनी जिम्मी में लिखती है सारी चीजें जी। कब तक इसको हिरासत में भेजा गया? 31/8/2023 को जो है कोर्ट में फिर दोबारा इसकी पेशी होगी। नूह जेल में सुरक्षा को लेकर कोई खतरा था इसलिए जी, क्योंकि एक समुदाय के ज्यादा एक्यूज उस नूह की जेल में है,
ऐसे ही गुड़गावा की जो जेल में फरीदाबाद गुड़गावा में जो है सोना में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और गुड़गांव में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो एक ही समुदाय के ज़्यादा एक्यूज वहाँ पे आ जाते हैं। इस वजह से कि एक आदमी इस टाइप का है तो एप्लीकेशन दे करके उसको जो है कोर्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट करके और बाकायदा ऑर्डर पास हुआ है नीमका जेल के लिए। क्या क्या बरामद हुआ और कहाँ से बरामद हुआ, पुलिस ने अपने नोट में लिखा है? हाँ जी, वो लिखा है 8 तलवारें बरामद हुई हैं और कहाँ से रिकवरी हुई है ये चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। ये सारा चालान के टाइम पर पुलिस देगी।